कौन है वो लोग जो कबीर सिंह के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। शाहिद कपूर ने 2019 की वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रॉसिंग, इनफैक्ट नंबर वन की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी दोस्तों, हम सबको पता है, संदीप रेड्डीवांगा उसके डायरेक्टर थे। फिल्म का नाम कबीर सिंह। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आज तक, कबीर सिंह रिलीज हो गए, कमा लिया, फिल्म जो है अभी सिनेमाघरों से उतर भी गई, लेकिन फिर भी शाहिद कपूर के पीछे पड़े हैं। कौन है वो लोग जिनके बारे में क्या खुलासा कर दिया हमारे कबीर सिंह ने, यानी कि शाहिद कपूर ने, आइए बात करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल में, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। दोस्तों बात करें तो इंडिया टुडे से बातचीत करते वक्त शाहिद कपूर ने एक बात तो क्लियर कर दी, उन्होंने एक बात क्लियर करी कि मैंने जो काम किया वो एडल्ट फिल्म के हिसाब से किया। ऑलरेडी हम इस बात को मेंशन कर चुके थे कि ये एक एडल्ट फिल्म है। अगर बात की जाए तो इसमें लोगों को सीखने का नहीं था, लोग आए इंजॉय करें और वो चले जाएं, क्योंकि इट्स सिनेमा, इट्स फ्रिक्शन। बच्चन साहब किसी को ये तो नहीं सिखाते कि चोरी कैसे करें, इतने सारे उन्होंने कैरेक्टर्स निभाए हैं, क्या वो किसी को ये सिखाते हैं? तो आप लोग क्यों कबीर सिंह के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं? यहां पर दोस्तों शाहिद भाई ने एक और बात कह दी कि अभी सब लोग कबीर सिंह के पीछे हाथ धो के पड़ रखे हैं, लेकिन जब शाहरुख खान ने शिल्पा शेट्टी को छत से नीचे फेंका था बाजीगर में, तो वो क्या था, उस वक्त किसी ने कोई कुछ क्यों नहीं बोला? भाई बात तो एकदम सही है, शाहिद भाई की बात एकदम सही है, क्योंकि अगर बात की जाए तो अगर कोई मेल प्रोटैगनिस्ट इस तरीके से हरकत करता है तो भाई सारा समाज उसके पीछे पड़ जाता है। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो पास में ऐसे हम काफ़ी फिल्में देख चुके हैं, फीमेल प्रोटैगनिस्ट भी करती हैं, तो ऐसे में ये क्या बात हुई? भाई यहाँ पर शाहिद कपूर ने तो अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई फिल्म तो फिक्शनल है, तो कृपया करके उसे उस तरीके से लें। शाहिद भाई की बातों को लेकर आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जाएं जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ राहुल भोज, तो इसी तरीके की चटपटी बातें आप लोगों को बताता रहेगा। क्रिसमस 2020 का तो भाई बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि खिलाड़ी कुमार की फिल्म आने वाली है जिसका नाम है बच्चन पांडे, जिसका फर्स्ट लुक आ चुका है। ये ऐसी फिल्म है जिसका क्रेज, जिसका बज अभी से ही शुरू हो गया है, अभी तो लगभग 1.5 साल बचे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों इसके पीछे मिस्टर साजिद नाडियाडवाला ने क्या कहा है, जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर हैं? तो आइए बात करते हैं, राहुल भोज आपको ये दिलचस्प बात बताता है बॉलीवुड की। देखिए भाई, रिसेंट इंटरव्यू हुआ है, बात करी जाए अगर तो बॉलीवुड हंगामा के इंटरव्यू के दौरान मिस्टर साजिद भाई ने, साजिद नाडियाडवाला ने ये बात कही है कि दरअसल फिल्म की स्क्रिप्ट और डायलॉग सब कुछ रेडी है, बट अभी जो है फिल्म के डायरेक्टर यानी कि फरहाद सामजी जो है वो टाइम चाहते हैं, तो इसकी वजह से जब तक हाउसफुल रिलीज नहीं हो जाती उसके बाद हमें गैप चाहिए और हम जो है फिल्म की शूटिंग अगले साल से शुरू करेंगे। और इसमें जो है अक्षय कुमार का वैसा ही सेम लुक होगा, प्लस इसमें और भी ज्यादा मसाला होगा। यहाँ पर बात करते करते दोस्तों वो ये भी कहते हैं कि हाउसफुल की टीम को भी गैप चाहिए था, क्योंकि लगभग क्रू जो मेंबर है लगभग वही है, तो हम चाहते थे कि एक प्रॉपर गैप लिया जाए और उसके बाद फिल्म की शूटिंग शुरू की जाए। और ये फिल्म दोस्तों रिलीज होगी क्रिसमस 2020 में। खिलाड़ी कुमार का इसमें अलग लुक है, हम सबको पता है, और ये खिलाड़ी कुमार की अब तक की सबसे ज्यादा टॉकिंग पॉइंट बन चुकी है फिल्म। आपको क्या है कहना दोस्तों, कितने एक्साइटेड हैं ये भी बताइएगा, और बने रहिए चैनल के साथ, कीप ऑन वॉचिंग।